अरे मोबाइल पलट उनके यार। सरप्राइज कलर टोन के अरे बाबा। अरे ऑडियो ही नहीं है इधर। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले बोल दिए थे सर घंटा कलर टोन दिया है भाई। सरप्राइज दिया घंटा कलर टोन। अरे लाइट बदलो यार। ए लाइट चेंज करो यार। करो यार लाइट। लाइट चेंज करो। वाइट करो। वाइट फेस लाइट यार करो। ठीक से वाइट करो। अरे लाइट चेंज करो सर। वाइट में एंट्री मिला क्या? एक क्या है यार पूरा ब्लू। मैं कैमरा ऑन कर रही हूं। कलर टोन चेंज हो रहा है भाई का एंट्री किसी को नहीं। हैव यू गाइस सीन द ट्रेलर? नो नो नॉट येट। ओके ये ऑडियो भी नहीं। कौन गिरा बे? क्या बात है? ए बैठ जा यार मोबाइल। कैसा लगा? के पूछना है सुल्तान से? के बोले अंग्रेजी में? व्हाट डू यू वांट टू हियर लाइव? आई लव यू। चेक चेक चेक। हाय हां साहब, दिस इज आरजे आलोक आपके राइट में एकदम कॉर्नर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है? क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर। नहीं सर नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी कहीं से भी नहीं सर। कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या अगर अली आप ही अंडरडॉग की कहानी है? अंडरडॉग की कहानी है। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी। एकदम काल्पनिक कहानी है और एक हिंदुस्तानी कहानी है। रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है और कॉमन चीज़ जिंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं लेकिन जिंदगी का नाम है खड़ा होना। एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे? बिल्कुल समझ गया। क्या कि जिंदगी एक अखाड़ा है उसमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी। आप व्हाई लाफिंग भारती? आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। हाय सलमान। ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ? अच्छा हाय नीरू। हाय हाउ आर यू? कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप लोग? सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है? आप बोलोगे? नहीं मैं ऐसे बीच में देते रहूंगा बाइट्स। इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पट जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पॉट में है। एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स वेयर यू नो व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल सी दैट। एक्चुअली मेरे को आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं। मैं ऐसी मैं कभी कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ एंड आई जस्ट कीप सेइंग थिंग्स टिल इट मेक सेंस। बट या इट्स बिकॉज इट्स अबाउट टू रेसलर्स एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर रियली रियली वेल एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स डाउन्स एज वेल एज देयर हाइज एंड
and how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, aap kabhi kabhi kuch important cheezon ko bhul jate ho. To ye jo upar niche jati hai inki jo love story, wo bhi aapko dekhne ko milega, and how it impacts the story and how it impacts him in the film. Salman, aap se jaane simple aadmi hai jiska koi ambition nahi hai, aur isko ek feisty si ladki dikh jati hai, and he falls in love with her. SSK ladki hai, you know, she's a wrestler, he's nobody, and aisa lagta hai ki jab main shaadi karunga to isi se karunga jo aapne dekha, and then wo galat pad jata hai because she's so strong headed. बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है इस पिक्चर में. वो सुल्तान को यू नो गलत समझ जाती हैं, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, हाउ ही गोज डाउन एंड देन हाउ ही कम्स बैक अप विद द हेल्प ऑफ द वुमन दैट ही लव्स. एंड जो द औरत her is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again, because of her he starts making it again, and everything comes into this happy beautiful love story, which may not or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है. तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो जिंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज वन. सेकेंड वन इज के आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कीप ऑन कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ एंड नॉट टू कट एनी वंस लेवल डाउन बट टू ओनली इंक्रीज योर लेवल. हाय अनुष्का, दिस इज उर्वी फ्रॉम पिंकुला टू योर राइट. हाय, सो दिस रोल इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग फॉर यू, सो व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज डिड यू फेस व्हाइल ट्रेनिंग फॉर द फिल्म, एंड how did you overcome that phase and you know train hard? Hi, luckily there were no injuries because I had a good team of you know, a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right, I mean, it in a case like this it can happen, because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean for their entire life, we like get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And yeah, but I think that's one thing that I would like to, you know, press on, is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before, and you know, the kind of training that goes into it, I'm happy that in fragments of it I got to experience it, and I got to like kind of, you know, keep it with me and as part of my life experience. So I'm always going to hold it very closely. Hi, Mr. Khan, this is Faridun from Bollywoodhangama. Yes, sir. Arre va, how's it going? Very well, sir. It's an incredible promo. I think it's looking outstanding. How challenging has been this performance for you? Because we are seeing a lot of physical changes in you during the course of the movie, even in terms of your look as well. It is getting more and more challenging for me each and every day. Ab kya ho raha hai ke you saw this look. Now after this look, now I've got to get into another look, and that journey is being very. It's a difficult journey for me now. But we'll work that out. लेकिन शी वॉज लकी दैट शी डिडंट गेट इंजर्ड. मेरे तो भाई इस पिक्चर में वाट लग गई. सर, एज एन एक्टर व्हाट यू थिंक? नहीं, क्योंकि ये उठो उठो सर, मैं आपको आ जाओ थोड़ा सा इसको. क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब ये रोल सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये तो मैं कर ही लूँगा. लेकिन जब वक्त आया करने का तो इन्होंने मेरे सामने पहलवान दे दिए, नॉट फाइटर्स, दे ऑल रियल रेसलर्स. तो जैसे जैसे एक शॉट होता था, उनको ऐसा लगता था कि ये रिंग में एक्चुअली लड़ रहे हैं एंड विथ मी. तो
most of the shots in this film are real. The wrestling is or MMA, there's no cable. Most of them is because of them, you know, there's a lot of contact happening in there. So it felt like, man, these are taking it and taking it. It's very good. But then when they had to take it and take it, all of them were 120, 130 fighters. And they're not our film fighters who will, you know, actually give you the leap and they will go down. They expect you to pick them up and throw them down. That was the most difficult part of it. Now, when a wrestler trains, he trains for an hour and a half, two, 3 hours. And shaam ko wapas se do teen. So, ye training bhi chal rahi thi wrestling ki, MMA ki training bhi chal rahi thi, aur uske saath saath din mein 6 se 7 ghante shooting bhi chal rahi thi non-stop. Non-stop means fighting non-stop. The every take because of dear sir here, ki nahi sir, sorry, ek aur, ek le lo na, ek maza nahi aa raha. Please le lo na. क्या है ना कि वो डीओपी ने एक कर लो ना तो बिकॉज ऑफ हिम 3, 4, 5, 5 रीटेक सो दैट 6 hours ऑफ यू नो इन दोज लाइट्स एंड ट्रेनिंग दैट यूज टू टेक अ टोल ऑन द बॉडी सर इवन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी मेनी सीन्स इन द प्रोमो लाइक व्हेन यू आर रनिंग अलोंग विद द ट्रेन एज वेल एंड लॉट्स ऑफ अदर्स एज वेल दैट्स आल्सो डिफिकल्ट नाउडेज रनिंग एट माय एज जी जी सर इन टर्म्स ऑफ यू नो इन टर्म्स ऑफ ऐसा लगता है कि इन सीन्स के ऊपर सीटियां बजेंगी बेतहाशा थिएटर में इवन सर्टेन सॉन्ग्स दैट वी आर हियरिंग हमने ये फिल्म ये कभी सोच के बनाई नहीं कि यहाँ पर सीटी पड़ेगी क्योंकि जब जब जो जो ये सोच कर बनाता है फिल्म के यहाँ पर सीटी पड़ेगी वहाँ पे सीटी नहीं नहीं ताली वहाँ पे झापड़ पड़ता है वहाँ पे 100% बजेगी सर इस पे 100% बजेगी हमको पता ही नहीं हमको पता ही नहीं कि किसके ऊपर बजेगी सीटी या ताली So do you feel this is going to be your biggest hit of all time? We just gave it our best. Obviously, we want this to be the biggest hit of our lives. And he's done a great job in the film. He's given his life for the film. And God forbid, something happens to this film. Main to next mein chala jaunga. So Salman. Ali saab ka thoda sa. But Ali has got YRF. YRF will never leave early. Iske baad aayegi inki next one. Announce kar dun? Huh? Announce kar dun? Huh? Arey announce kar deta aaj. Sab to yahan pe hi hai. Aise hi, aise hi announcement hota hai. Haan ji. Kya? I hope so. सबसे बड़ा बेवकूफ़ होंगे मैं जो बोलूँगा कि नहीं नहीं भाई मुझे अपने रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं है कौन ऐसा आप हो नहीं अच्छा तो ऐसा कौन है जब जी देखो ये सब प्रमोशन वोमोशन के फंडे होते हैं कि बहुत तकलीफ हुई वगैरह 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 लेकिन आप जब सवाल ऐसा पूछते हो तो दिस इज मी बेसिकली यू नो कोई तकलीफ वकलीफ नहीं हुई इट इज़ अ पीस ऑफ केक ये जो करता हूँ मैं एक रोज एक डेली करता हूँ मैं ये इट्स नॉर्मल जी यहाँ पर दी गए किसी ने बजाई नहीं तो इसका मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वहां पर भी नहीं बजेगी हाँ मैंने 3-4 सुनी थी वो YRF के ही लोग होंगे या मेरे नैड्स नदीम ने बजाई होगी सीटी विवाह अच्छा वो आप तो बजाओगे सीटी भाई मेरे लिए हो तो अनुष्का नाउ यू हैव वर्क्ड विद ऑल 3 खान्स सो सलमान शाहरुख एंड आमिर बस अब और क्या चाहिए एब्सोल्युटली So what He's answered it for me. I will listen to you again. What are you saying? How was it working with Salman? What difference do you find in all the 3 Khans in the working style? I think I'll talk about him because you know we're talking about Sultan here. He is a very refreshing person to kind of work with because in ke saath like what you see is what you get. I'm sure aap logon ne wo experience kiya hoga. Itne saal se inko jante hain. To main jo Aamir aur Shahrukh bilkul waise hai nahi. So
his thing is that he is kind of unfazed by anything that happens around him. Correct. Jo Aamir aur Shah Rukh bilkul waise hai nahi. Ab sir, aap chahte ho main aapko bataun ki Aamir aur Shah Rukh kis cheez mein acche hain? Please. मैं तो चाहता हूँ मुझे कुछ मुझे उनके बारे में कुछ पता है लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूंगा कि मुझे बस आपके बारे में बात करनी है यहाँ पे. सो या सो ही इज लाइक दैट एंड आई थिंक इट्स समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग एंड आपको मतलब अगर आप अपने करियर में ऐसे किसी को देखते हैं जो इस मुकाम पे हैं लेकिन ऐसे हैं सो यू नो यू फील रिलैक्स यू फील लाइक ठीक है दिस इज द काइंड ऑफ यू नो द राइट वे टू बी. आई थिंक ही इज वेरी ब्लेस्ड एंड he has a lot of people around him who love him, all his fans. I mean, since I was announced for the film, the kind of messages I've got from like Salman fans, it's like unbelievable. So you realize his you know his craze, which is amazing. So I think and also having said that, if you see this film, you've seen the trailer, when you watch the movie, you'll realize that he's worked really hard on this film. You're lying. Lying. Yeah? You're lying. No. He's worked really, really hard on the film, and we've seen it, and you guys are seeing it right now. You can't fake these things. It's not easy. And like he said, wrestling as a sport, you can't use cables and all because वैसा action नहीं है. It's very real, right? It's contact sport, so you don't lose contact with the opponent. So you can't fake it. So I think hats off to him for having done this at this stage in his career. Not you know being like, ah, let me keep it easy. He's like, nahi, I'm going to push myself. So I think it's amazing. And I respect that a lot. Hi, Salman. Oh, the most difficult part in this film has been the langoat. Aaj mere ko samajh mein aaya what heroines feel when they go through all these swimsuit shorts and all that. Hi, Salman. So you know, kya hua tha? Ali was there. They say, yaar, wo shorts mein the shorts, yaar, sab, you know, pehlwan langoat pehnte, it'll not look real. So wo langoat pehn lenge. We'll do it. जब मैं वहां पर पहुंचा वह 5000 का क्राउड है सब कुर्ते पजामे में चप्पल में शॉर्ट्स के अंदर अरे भाई मैंने बोला ये तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई. सो आई सेड यार अली आई एम नॉट देर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू चांस ही नहीं कि मैं वहाँ पर जाऊँगा. और कुछ औरतें भी बैठी थी वहाँ पर घूंघट उंगट के अंदर सब जूनियर आर्टिस्ट ऐसे ये तो हो ही नहीं सकता. This is not possible. तो इसे फिर एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट ईद पर आएंगे. तो ऐसे ये डेट भी अच्छा है नेक्स्ट ईद का. मैनी वैस सेट चलो ठीक है. अब मैं एक लुंगी पहन के गया वहाँ पर और एक कुर्ता में जाके बोला यहाँ पर अगर किसी ने चिल्लाया किसी ने